वेलकम टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम राहिल के घर पे बैठे हैं। ये राहिल ने चाय बनवाई है, ये बैठा है राहिल, और ये राहिल ने सोलर वाला पंखा चलाया है। छत वाला पंखा नहीं था तो मैंने इसको कहा कि भाई छत वाला पंखा लगवाओ ना, तो ये बोल रहा है कि अभी लेके आऊँगा, दो तीन दिन में तीन पंखे लेके आऊँगा। वो पिछले पंखे जो है जल गए थे, तो राहिल ने जो है अपना घर नया बनवाया था, तो वहाँ पे अभी तक मुकम्मल सेटअप नहीं किया राहिल ने। आस्ता आस्ता करेगा बोल रहा है कि आस्ता आस्ता कब करेगा भाई। देखो अकेला बंदा हूँ, आस्ते आस्ते अभी स्टार्ट किया है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, थोड़ा बहुत सेटिंग बना गए हैं, बाकी थोड़ी बहुत रहती है जो, वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द बनाएंगे। कोशिश लगी पड़ी है, काम जारी और सारी है। और जो तुम्हारी दूसरी जगह दोस्तों, ये राहिल की दूसरी जगह भी बन रही है इधर सामने मोहल्ले में, तो ये मतलब तो काफ़ी टाइम लग जाएगा भाई। इसकी दो तीन हैं अपनी जगह हैं जो दो तीन किराए पे हैं। एक में ये खुद बैठा है, ये भी न्यू बनवाई है, और एक दूसरी बन रही है। तो वो बोल रहा है कि अभी मैंने 35 लाख रुपए की ये टाइल लगवाई थी, वो बोल रहा है कि ओताक बनाऊंगा अपने लिए, बैठक जिसको बोलते हैं पंजाबी में, क्या बोलते हैं? बैठक। पंजाबी में बैठक बोलते हैं, इंग्लिश और उर्दू में ओताक बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं गेस्ट रूम ओताक, और सिंधी में बोलते हैं ओताक। ओताक तो वो तक बनाएगा। यहाँ पे जो है ये इसका अपना घर है, और इधर दूसरा कमरा भी है, तीन कमरे हैं और किचन है। और अभी इसका बाहर का काम मुकम्मल नहीं हुआ, वो मतलब अभी बोल रहा है कि जो है ना भराई करवा के ईद के बाद, ईद के बाद जो है वो भी मुकम्मल करवाऊंगा। और उसके बाद इसने टाइल वगैरह भी लगवाई है थोड़ी बहुत, ये आप देख सकते हैं। और एक रूम में एसी भी लगा हुआ है, क्योंकि सिंध में बिजली जो है बहुत ज़्यादा महंगी है, तो एसी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और तकरीबन जो है एसी चलाना मीटर पे तो मतलब बहुत महंगी पड़ती है, तो इसलिए एक एसी लगी हुई है इसके घर पे, जो ये गर्मियों में चलाता है, यूज़ करता है, रात के टाइम दिन को बंद कर देता है। और इसके अबू का भी 12 मंथ पूरे हो जाएंगे, तो वो खैरात भी करेंगे, तो उस पर भी हम आएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, वो भी वीडियो बनाएंगे। और ईद पे आपको जो है हमारे गांव भी लेके चलेंगे, ये राहिल का प्रोग्राम है ऐसा ना। ये देखना है, बताना है इनको ईद पे कहाँ जाओ लेके जाएगा। ईद पे इंशाल्लाह इरफान भाई के गांव चलेंगे, अपन साथ में घूमेंगे फिरेंगे, साथ में एंजॉय करेंगे, फिर इंशाल्लाह वापसी अपने घर में आ जाएंगे। इरफान भाई ने वादा किया है हमारे साथ, वो इस दफा हमें अपने घोटकी के पेड़े जो है इसके बड़े मशहूर हैं, वो अपने खर्चे पे हमें खिलाएगा, क्योंकि हम तो होंगे इसके घर में मेहमान, मेहमानों से तो हमारे सिंधियों के ही यानी कि असूल है कि मेहमानों से पैसे नहीं लिए जाते, मगर फिर भी जो है ना ये भाई हमारा हमारा हमारे में हमारे में मेहमानों का कोई सीन नहीं है। हमारा जो है अपना हिसाब है घर का, ये जो है कि हमारा हिसाब नहीं होता है किसी चीज में, हम जो भी करते हैं आपस में शेयरिंग करके काम करते हैं। हाँ हमारे में मेहमानों का वो नहीं है, मैं हूँ या राहिल हो या अपना सोहेल तो कभी ना है बहुत बड़ा। और हमारा एक और भी पार्टनर था पहले, हाँ वो बड़ा, वो उससे अभी नहीं बनते हमारे, वो बड़ा आदमी बने। नहीं, वैसे जाएंगे तो वो भी इज्जत तो हमारी करेगा यार, वैसे ऐसा बंदा नहीं है, इसे नहीं बोलो। नहीं वो इस दफा भाभी से भी मिलना है हमें। इस दफा भाभी से भी मिलना है हमें, भाभी के पास जाना है, देखे तो सही, उसने साल तो हो गया है उसको, देखें क्या रंग जमाया है उसने। और दोस्तों ये राहिल ने भी मंगनी की हुई है, हाँ वो राहिल की जो है मंगेतर वो है जीएसटी टीचर है,
ऐसे ना, तो वो जो है किधर रहती? अपने गांव में रहती है। बताना इनको। अपने गांव में ओखाड़ा में रहती है भाई। वो अपना सिंधगा कोई गांव है, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी रायल के घर पे बैठा हूँ, नहीं तो रायल की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, इसकी अम्मी इसको बहुत मारेगी। तो मैं उसका नाम नहीं लूंगा गांव का, लेकिन वो इसके गांव की है और वो जेएसटी टीचर है। वैसे इरफान भाई की बातों का यकीन मत करना, मजाक करने की इसकी बहुत बड़ी आदत है, ये आप जो है इस बात को ऐसे हंसी में डाल देंगे। हंसी में कैसे डालेंगे, पागल है। बड़ा कौन है सही? बड़ा मैं हूँ, तो मेरी बात जो होगी वो मायना रखती है ना, इसकी बात मारा थोड़ी रखती है। टोपी पहनने दे, कोई बड़ा नहीं होता। टोपी की बात नहीं है भाई, टोपी एक अलग चीज है, ये एक अलग पहचान है हमारी, बाकी जो है कि जबान एक बंदे की अलग चीज है। वैसे ये मजाक करने की आदत है, सच में इसकी बातों का यकीन मत करना, ये ऐसे ही बंदा है, हंसी मजाक वाला और खुश मिजाज बंदा है। नहीं मैं मजाक नहीं करता, खुश मिजाज बंदा मैं, है मैं मजाक नहीं करता। इसकी हसरत है कि मेरे भाई राहिल की मंगनी हो जाए, ये इसी खुशी में बस बोल रहा है और कुछ भी नहीं। और पता है वो इससे ज्यादा मोटी। तो अभी हम अपने व्लॉग को करते हैं एंड, फिर आपसे शाम में मुलाकात होगी जब मैं जिम पे जाऊंगा, तो फिर आज जिम की जो है वर्कआउट आपके साथ शेयर करूंगा। आज शोल्डर के वर्कआउट है, कल इंशाल्लाह बैक विंग्स लगाएंगे, तो कल की भी वर्कआउट आपसे शेयर करेंगे। बाय बाय।